जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज रहे हैं, गुड आफ्टरनून होने वाला है, इनफैक्ट 11:30 बज रहे हैं एग्जैक्टली बताऊं तो। जस्ट अभी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो पोस्ट करी है, रात में कुछ शूट नहीं ले पाया भाई। जिम से ना ये लेफ्ट हैंड जो है ये इतना सीधा हो रहा है अभी, ये इससे ज्यादा कहना बहुत ज्यादा, ये जो बीच में है ना यहाँ पे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। भाई ने ना ऐसे हैमर लगवा दी थी तो वो बहुत ज्यादा पेन कर रहा है यार, ये वाला हाथ मतलब डैमेज टाइप हो गया है रात से। अभी खाना पीना खाते हैं दोस्तों, भूख लग रही है बहुत तेज, और खाना खाने के बाद वीडियो वगैरह बनाएंगे। शाम कल जिम भी नहीं गए थे, आज जिम भी जाना है और शाम को बैट बॉल भी खेलना है। रात में तो ये इतना दर्द था कि मैं सो गया भाई, कुछ भी नहीं हो रहा था। धूप निकल रही है, गर्मी नॉर्मल है, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक ठाक है मौसम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ दोस्तों, खाने में बनाया आज दाल रोटी, और ये कल बिरयानी के साथ मिर्च आई थी ना तो मैंने रख ली थी, अब अचार का काम करेगी खा लेता हूँ। मुझे मिर्च का अचार बहुत पसंद है भाई, पर वो जो बड़ी वाली होती है ना वो वाली मिर्च का, बाकी वो तो मिलती नहीं है यहाँ पे यार, और घर में कोई बनाने वाला है नहीं मिर्च का अचार, पर बड़ा बढ़िया लगता है भाई पराठे के साथ। चलो खा लेता हूँ खाना, भूख लग रही है तेज। 3:30 बज गए हैं दोस्तों, प्रेस कर रहा हूँ, दो टी शर्ट पे कर दी है, लेटा हुआ हूँ और हाथों में इतना दर्द है भाई, ऐसे नीचे ऐसे जान निकल रही है भाई, पता नहीं कैसे जिम जाऊंगा, आज जा भी पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, पर जाऊंगा सोच रहा हूँ, क्योंकि दर्द ही दर्द को काटेगा, जिम वाला दर्द है वैसा तो कोई है नहीं भाई। पर ये मान लो मैं बता नहीं पाऊंगा, दिखा नहीं पाऊंगा, पर बहुत पूरी रात भाई ऐसे सोया हूँ, ये हाथ सीधा नहीं हुआ, सीधा सुबह सुबह करने की कोशिश करिए, ऐसे करने लगा हूँ अब सीधा, पर इतनी थोड़ी देर ऐसे रहता है फिर ऐसे जाता है ना, तो यहाँ पे ना बिल्कुल जो बाइसेप्स होते हैं उसके नीचे जॉइंट पे इतना पेन हो रहा है भाई, अब राइट हैंड में भी होने लगा है लेफ्ट से, बहुत गंदा वाला सीन हो गया भाई। कल बैट बॉल भी नहीं खेला, जिम भी नहीं खेला, और आज जान निकल रही है यार, सुबह से कुछ सूट भी नहीं करा आज मैंने, ब्लॉग पता नहीं ब्लॉग आएगा भी या नहीं आएगा, पर ठीक है देखते हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा शाम का समय हो रहा है और जिम जाने की सोच रहे हैं, यार बहुत दर्द हो रहा है, देखो इतना खुल रहा है, इससे ऊपर ऐसे कर रहा हूँ ना, इससे बहुत दर्द हो रहा है, और अब राइट हैंड में भी होने लगा है, मैंने दोपहर भी बताई थी, बहुत गंदा वाला, बट ठीक है, जो कि ये जिम का ही है, अगर करते रहेंगे तो ठीक है, वरना छोड़ दूंगा ना, 2-3 दिन छुट्टी मार दूंगा दर्द के चलते, तो दोबारा करूँगा दोबारा होगा, तो अब जा रहा हूँ हल्का फुल्का वेट मार के आ जाऊँगा, हल्का फुल्का करके, क्योंकि कमल भाई है नहीं, कमल भाई आएंगे ट्यूसडे, कमल भाई 4 दिन ही रहते हैं यहाँ पे, तो 3 दिन में से 1 दिन तो छुट्टी होती है, 2 दिन मुझे अकेले करनी है, कल मैं गया नहीं। चलो दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली जिम, जिम में मिलता हूँ आप सभी के साथ। भाई आज खाली लग रही है जिम पूरी, आज कमल भाई है नहीं, भाई अकेले करने में मज़ा नहीं आया, बाकी आज भीड़ बिल्कुल नहीं थी, हल्की फुल्की कर ली ताकि थोड़ा शरीर एक्टिव रहे, पसीना पसीना तो निकाल ही लिया भाई। सुबह सुबह आज ये कबूतर हमारी बालकनी में बैठा हुआ है और उड़ नहीं पा रहा, मुझे लग रहा है देखो इसने बीट भी करी हुई है, शायद उड़ नहीं पा रहा भाई, ये खिड़की खोलूँगा तो गेट खोलूँगा तो कहीं ये डर ना जाए, देखो निकल गया, देखो जो उड़ने की कोशिश तो कर रहा, उड़ गया, लो भाई बगल वाली पे चला गया, ठीक है जी उड़ गया, इसका मतलब केवल गंदी गंदे आया था ये बालकनी। सुबह के 11 बज रहे हैं भाई, अभी तक मैं नहाया धोया भी नहीं हूँ, फटाफट से नहा धो लेते हैं, आज थोड़ा लेट हो गया यार, लेट चल रहा है तुम्हारा भाई थोड़ा सा। ये देखो दोस्तों आपको दिख रही है गंदगी या जाला जो भी है दिख रहा है, ये थोड़ा सोच रहा हूँ साफ कर दूँ, और बेड शीट को भी आज धो देता हूँ यार, बहुत गंदी हो गई है, बहुत दिन हो गए, और आपका भाई नहा धो चुका है, पहली वीडियो बना ली है, बाहर हवा बहुत ही शानदार चल रही है, गेट खोलूँगा सो रहेगा, ज़्यादा नहीं आ रहा, तो दोनों बेड शीट धो देते हैं आज, और 2 बेड शीट नई ऑर्डर करूँगा, अब श्राद्ध खत्म हो ही जाएंगी, जब आएगी तब तक 2-3 दिन आने में ले जाएगी, तब तक श्राद्ध खत्म हो जाएगी, तो हम नई चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि बेडशीट 3 ही है अभी, नीचे कुछ लोग नेट में खेल रहे हैं और आज रात हम भी खेलेंगे, दर्द थोड़ा कम है, रिलीफ मिल रहा है आज, आराम है, पर जिम नहीं बंद होगी अब तो शुरू हो गई, और हाँ पास बन गया भाई साहब, पास बन गया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पास भी। इस बेड की मैंने बेडशीट कर दी है चेंज और धुलने डाल दी है, इस वाले बेड की भी बेडशीट धुलने डाल दी है, बट चेंज नहीं कर पाया हूँ, 2 बेडशीट नई ऑर्डर करूँगा, अभी 3 ही हैं, तो 2 धुली हुई हैं, 1 साफ थी वो मैंने बिछा दी इस पर, अब 2 बेडशीट और ऑर्डर करूँगा बढ़िया सी। सो गाइस बेडशीट वगैरह मैंने 2 ली हैं, आप ये देख सकते हैं, एक ये सूख रही है, ये सूख रही है, और एक ये सूख रही है, तो ऐसा लग रहा है गंदी सी भी हो गई, धुलते ही गंदी हो गई है ये। अच्छा उस तरफ से उड़ के आ गया भाई, ऐसे हवा चल रही होगी ना, ये वाली बेडशीट का कपड़ा ना अच्छा नहीं है यार, मज़ा नहीं, मतलब ऐसा लगता है जैसे गंदा गंदा सा, वेलवेट का होता है ना जैसे, वैसा गरम गरम सा लगता है ये, वो बहुत अच्छा है भाई, कॉटन है वो शायद, तो वो अच्छा है। खाना पीना खा लिया है और अभी समय हो रहा है दोस्तों 1:20 का,
दोस्तों अभी बज रहे हैं 3:30, 3:40 हो रहे हैं स्पेसिफिकली बताऊं तो, करीब 1:30 पे वीडियो पोस्ट करके मैं सो गया, नींद आ गई भाई सीधे 3:30 उठाऊं, 2 घंटे नींद मार दी आज तो। और ये असर आ रहा है भाई अब जिम का, ये जिम जाओगे शरीर टूटेगा तो नींद आएगी, वही नींद आ रही है भर के वो सो गया आज, मिस हो गया काम भी और बहुत कुछ मिस हो जाता है जब भी मैं 1-2 घंटे इधर हो जाता हूँ ना। बट ठीक है आज संडे था तो कोई ऐसा इशू नहीं है, संडे हो गया वीकेंड इंजॉय हो गया आप ये कह सकते हो। अब इस व्लॉग को भी सोच रहा हूँ दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, अब यहाँ से जो भी होगा वो नए व्लॉग में दिखाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 1.5 से 2 दिन का ये व्लॉग हो चुका है, अब मुझे नहीं पता कितना बड़ा या छोटा ये, मैंने कितना शूट करा कितना नहीं करा, तो इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए व्लॉग में कल, बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।